सलोनी शर्मा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंस तुषार। तो हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरनगर और अब हम जा रहे हैं कहाँ? देहरादून। देहरादून वो भी क्यों जा रहे हैं हम देहरादून? मोमोज खाने। ओह माय गॉड, हम लोग मोमोज खाने देहरादून जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका आइडिया था। से हाय। ओके, अब हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर आ चुके हैं। ये सबसे मेरठ और मुजफ्फरनगर यूपी का सबसे बदतमीज एरिया है इस टाइम हम। या हम भी हैं। ये पूरी यूपी में सबसे बदतमीज जो एरिया है वो है मुजफ्फरनगर। इससे पहले आता है मेरठ जहाँ से हम हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं जो मुजफ्फरनगर है ये यूपी में सेकंड नंबर पे आता है। मास्क कटा देते हैं अभी फिलहाल, चलान वलान तो खैर कटना नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा बदतमीज जो यूपी में आता है वो आता है आपका मेरठ, जो कि हम हैं वहां से। वैसे हम बदतमीज है नहीं, बहुत शरीफ है, कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाए तो बात अलग है। तो अब क्या है कि अब हम, किसका फोन आ रहा है? दोस्त का फोन आ रहा। हाँ भाई, हाँ बेस ट्यूब लगा दी, चल ठीक। मैं भैया बस देहरादून जा रहे थे वैसे घूमने, मोमोज खाने। ओके, तो भाई क्या है, आज हम सारे के सारे खाली पड़े थे घर पे, क्योंकि मन हमारा लग नहीं रहा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं मोमोज खाए जाएं। और मोमोज खाने जा रहे हैं हम देहरादून, ठीक है। अब आप कुछ डॉट 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 सी या कुछ तो कहना मत कि मेरठ या मुजफ्फरनगर में मिलते नहीं है, बट हमें जो पसंद है वो हमें पसंद है देहरादून के मोमोज, जो कि जाते रहते हैं वैसे तो। एक ही हमारे यहाँ, वैसे ये मैं हूँ, ये मेरे कजन है और ये हमारे घर की बंगन है। हमारे घर पे ये काम करने वाली वो यही है, ठीक है, यही है। देख वैसे आप अच्छे से रखते हैं अपने घर में काम करने वालों को, डेनम वेनम पिना के। वीवीआईपी है ना काम करने वाले हमारे थोड़े से, क्योंकि सैलरी बहुत हाई है इनकी, तो उसके हिसाब से ये चलता रहता है। फिलहाल आप इंजॉय करो वे को। हाँ हाँ, आ जाओ भैया जी, आ जाओ। अरे ऐसी चलेगी भैया, कोई दिक्कत नहीं। जी ने स्प्लेंडर देखो कितनी तेज भगा रखी है। चलो प्लान वाले अंकल को करते हैं पास। अच्छा सस्ते नशे करोगे ना तुम सुबह सुबह, जर्सी ये अपने नाम आप मुझे बताओ, ठीक है ना? चल भांगी। यार एक बार किसी टायर वाले से हवा चेक करा ली जाए, तो मुझे लग रहा है टायरों में हवा ज्यादा है तुम की जगह। क्या पता हवा इसमें भरे की हवा के साथ जी उड़ती, फिर वजह से कहां सा पकड़ेंगे। सरदार जी कितनी तेज लेके जा रहे हैं भाई,
पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर रामपुर तिराया, क्योंकि हम बाय रुड़की बिल्कुल नहीं जाने वाले, बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें जाना ही नहीं है उधर से। ठीक है, तो बात यह है कि कुल मिला के बात जो है यह सुभाष चौक, और यहाँ से हम जाएंगे बाय सहारनपुर, क्योंकि ये वाला जो हाईवे है ये एक नंबर का हाईवे बना हुआ है, और जो ये आपका रुड़की वाला हाईवे है ये अभी इस पे वर्क चल रहा है, क्योंकि मेरा कॉलेज आगे ही है यहाँ से थोड़ा सा ही आगे, और ये एक नंबर से भी ऊपर का बना हुआ है। अभी तक तो एक नंबर का था, पर अब हम चल रहे हैं तो एक नंबर से भी ऊपर का है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में लेंस नहीं लगे हुए ना, तुम्हारी आंखों में उल्लू और बकरे हैं। अच्छा सही है, ले बेटे मौज कर दी। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो भाई, तुम तो बहुत हैवी ड्राइवर हो भाई। ये देख रहे हो तुम चील कितनी तगड़ी है, खा पी के फिट रहती है चील एकदम। चील ऐसी हो रही है ये बात पूछो मत ना, उड़ा तो जाता ही नहीं चील से, इससे पंख भी गायब हो गए, चील के तो पंख भी गायब हो गए पेट में ही। बै चील यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद ही वो सामने दिखाई देगा आपको, सहारनपुर वाला हाईवे। भाई अगर आप में से किसी को भी देहरादून वगैरह जाना है तो भाई ये रास्ता सबसे बेस्ट है। अगर आप भाई मुजफ्फरनगर होके जा रहे हैं तो मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से क्रॉस करने के बाद रामपुर तिराया, और रामपुर तिराया से ये सामने जो हाईवे आने वाला है इस हाईवे को लो और सीधे देहरादून। आप उससे रुड़की को होते हुए जाओगे तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है, क्योंकि रुड़की वाला भी वो जो पुल है, ब्रिज जो है वो अभी चालू नहीं हुआ है, अभी भी रुड़की के अंदर कोई जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे जितना आप रुड़की में क्रॉस करने में टाइम लगाओगे ना, इतने में तो मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, आप बिहारीगढ़ वगैरह पहुँच जाओगे इस वाले हाईवे से, क्योंकि डबल वे हाईवे है ये टोटल का टोटल वहाँ तक ही। चिल देख कोई याद ना, नहीं आ रहा, चलो देख ले कभी कोई पंखी उड़ा दे। ऐसा ही हाईवे है देहरादून तक, हम आए हैं। अब ये लोकल एरिया है, क्या है कि हाईवे पे कोई ट्रक वगैरह की वजह से जाम लग रहा था, तो ये एक गांव पड़ता है रुहाना, हम निकले हैं रुहाना में को, और ये एकदम विलेज वाला एरिया, ये ईख जिसे शुगर ऑफ बेम्बू शुगर केन ठीक है वो बोलते हैं। और भैया मेरा थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग है, और मैं आपको एक बात बता दूं, क्या है कि मुजफ्फरनगर एरिया जो है, मुजफ्फरनगर मेरठ शामली मतलब यूपी का जो ये हमारे वाला एरिया, ये गन्ने का सबसे बड़ा एरिया है, हमारे इधर अधिकतर गन्ना ही होता है। ओए राम रे, रोड पूरा टूटा हुआ, ऑन प्रोग्रेस, ये हमने एक डिक्शनरी वाले पीछे बिठा रखे हैं। काम करने वालों को उठाओ पहले, ए उठे, सुलाने के लिए थोड़ी लाए हम, बोरी तो कर रहे हो, बोरी तो कर रहे, बोर को कौन सा तुझे डांस करके दिखाऊं मैं, बोर कर रहे हो। देखते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और सबकी टंकी हो रही है भारी, हम करेंगे पहले अपनी टंकियां हल्की। यह न्यू चेतल पंजाबी वैष्णो ढाबा,
यहाँ पे देखो ये जो तेरा मन करे ये बैठा तो मिच्छू दस रुपए टॉयलेट में जाने जाने के लग जा बहसबाजी खत्म करो वापस करो बहसबाजी का कोई टॉयलेट बनवा के दे रहा है वो 10 रुपए ले लो तुम अरे तो उस चीज को छोड़ आ गया उस चीज को छोड़ इस ढाबे पे हम रुके थे ये ढाबा बढ़िया है फर्स्ट क्लास है इस ढाबे का क्या है कि ये जो चीज आपको देगा कोल्ड ड्रिंक देगा या कुछ भी देगा ये आपको देगा प्राइस से ऊपर ठीक है तो जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे जो भी आपके गवर्नमेंट से या किसी चीज से रिलेटेड हो खास करके पेप्सी वालों को मैं इस चीज को टैग करूंगा कि भाई तुम्हारी चीजें प्राइस लिस्ट जो आती है प्राइस टैग जो तुम दे रहे हो उससे भी ऊपर जा रही है क्या बात है। तो भाई वीडियो डालनी पड़ रही है दो पार्ट्स में बात क्या थी कि मूड हमारा बहुत सही था बहुत बढ़िया था हम लोग क्या नाम मोमोज खाने जा रहे थे क्या हुआ कि हम रास्ते में एक ढाबे पे रुके उस ढाबे पे जैसे हम रुकते हैं वहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए रुके तो वो बंदा प्राइस जो थे कोल्ड ड्रिंक के प्राइस थे उसके 30 रुपीज़ वो दे रहा था 40 रुपीज़ में तो उसका जैसे हमने बात की तो वहाँ पे उस बंदे का जो जिसका वो ढाबा था उसका एक अलग ही एटीट्यूड था तो मैं उसका टोटल डिटेल बता दूँ आपको। तो क्या है कि जैसे आप मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की ओर आएंगे और सहारनपुर की वाले हाईवे से जैसे आप गागा लेडी से चढ़ेंगे राइट हैंड साइड पे देहरादून के लिए तो वहीं पे ये ढाबा पड़ता है हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी गाड़ी रोकने के बाद हमने सामान लिया तो ये बंदा क्या था कि प्राइस लिस्ट जो है उससे भी ऊपर दे रहा है ठीक है। तो मैं वैसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस ढाबे वाले से पेप्सी ब्रांड से तक ये पूछना चाहिए कि क्या पेप्सी प्राइस से भी ऊपर बेची जाती है।